अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं कि रमज़ान करीब आ रहे हैं और रमज़ान अब 2 हफ्तों में ही है और हमारे स्कूल की छुट्टियां भी स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग अब घर को रेनोवेशन शुरू करते हैं, सफाई वगैरह शुरू करते हैं। तो हम लोग ने सबसे पहले माँ बाबा का कमरा शुरू किया। तो हम लोग ने सबसे पहले सारे फर्नीचर यहाँ से हटाया सिवाय वार्डरोब के और बेड के, बाकी हम लोग ने सब हटा लिया था और हम लोग ने सब सारी अच्छी तरह से क्लीनिंग वगैरह भी कर दी थी। तो अब यहाँ पर हम कर रहे हैं पेंट कर रहे हैं हम वॉल को, क्योंकि इसका पेंट थोड़ा ख़राब हो गया था, तो हम लोग ने कहा इसको पेंट कर दिया कि अच्छी तरह ये रिवाइव हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको पेंट कर रहे हैं। रोड जो हम लोग ने रमज़ान में किया था, हमारी फर्स्ट ब्लॉक मम्मी पापा के रूम के अंदर ब्राउन कलर का वुडन टेक्सचर प्लास्टिक कारपेट था, तो हम लोग ने अब इसको रिमूव कर दिया है और नया प्लास्टिक कारपेट हम इसके ऊपर बिछाएंगे। सो हम लोग पूरा रूम अच्छी तरह से रेनोवेट करें और इसका बिल्कुल नया लुक आएगा। सारा पेंट सूख चुका है और हम लोग ने पेंटिंग्स और मिरर्स जो लगे हुए थे वो वापस लगा दिए हैं। तो अब हम लोग लेकर आ गए हैं प्लास्टिक कारपेट। हम लोग ने बेड के ऊपर से गद्दा हटा दिया था क्योंकि ये बहुत हैवी था बेड, तो हम लोग उसको उठा के इसके नीचे कारपेट नीचे डालना था, तो इसलिए हम लोग ने इसको हटा दिया। तो अब हम इसको बिछा रहे हैं। हम लोग ने पीछे से शुरू किया था तो हम इसको अब बिछा रहे हैं, इसको खोल रहे हैं। इस वॉज एक्चुअली वेरी हैवी एंड डिफ़िकल्ट, पर हम लोग ने यहाँ से कभी हम लोग एक जगह से स्ट्रेच करते थे दूसरी जगह से ख़राब हो जाता था, तो इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट बट द एंड रिजल्ट वॉज वर्थ इट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कारपेट अच्छी तरह से बैठ चुका है। हम लोग अब गद्दे को बेड के ऊपर रख रहे हैं क्योंकि हम लोग ने बेड पीछे कर दिया है उसकी प्लेस पे, और अब गद्दे को बेड के ऊपर रख रहे हैं। सो दिस इज़ द फाइनल लुक आफ्टर पेंटिंग द वॉल्स एंड द चेंजिंग द कारपेट। हम इसके अंदर और भी डिफरेंसेस करेंगे और भी चेंजेस करेंगे रूम के अंदर करके नया लुक आए, लेकिन अभी के लिए हम लोग ने ये किया है और नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि हम लोग ने और क्या चेंजेस किए हैं। सो घर को रेनोवेट करने के साथ साथ हम लोग ईद की शॉपिंग भी कर रहे हैं और रमज़ान की शॉपिंग भी कर रहे हैं, घर को डेकोरेट करने के लिए चीज़ें भी ले रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दमाम मॉल में क्योंकि हम लोग को वहाँ से अबाय लेने हैं और कुछ शॉपिंग भी करनी है। इसलिए भी हम लोग यहाँ पे आए थे ईद बकरा ईद की शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं अबाया और हम लोग ने मैंने और अमन आपी ने दोनों ने दो अबाय लिए था। तो ये पिंक वाला हम लोग को पसंद आया था तो हम लोग ये पिंक वाला ईद के लिए लेंगे और दूसरे वाला हम लोग ने नॉर्मल यूज़ के लिए भी लिया है। अबाय की शॉपिंग करने के बाद चले गए थे हम लोग फैमिली डिस्काउंट पे, वहाँ पे हम लोग को ऊद लेना था और वहाँ पे हम लोग को मिला नहीं, तो हम लोग ने लिया, हम लोग ने उसके जगह हम लोग देख रहे थे कि ऊद कहाँ रखा है, लेकिन हम लोग को परफ्यूम्स हम लोग को नज़र आ गई तो हमने वो ले ली। तो हम लोग ने परफ्यूम बाय की यहाँ से और अब हम घर अब जा रहे हैं हम वापस। तो रास्ते में जाके हम लोग ने कुछ और शॉपिंग की, हम लोग ने घर को रेनोवेट की और शॉपिंग की जो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो और अब हम ले रहे हैं डिनर। सो हम लोग ने डिनर के लिए लिया था राइस, वॉज एब्सोल्युटली डिलीशियस क्योंकि हम लोग को बहुत दिनों से चल रहा था कि हम लोग। और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।